भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने काम में पारदर्शिता लाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश में अफसरशाही अपने क्षेत्र अधिकार में ड्यूटी के दौरान प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। उन्हें भूमि, भवन और किसी भी अन्य तरह की अचल संपत्ति खरीदने की इजाजत नहीं होगी। इस पर रोक लगा दी गई है, यानी अफसर अपनी ड्यूटी से संबंधित क्षेत्र में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकेंगे। तबादले के बाद भी तैनाती वाली जगह पर अफसरों के क्षेत्र अधिकार में शामिल जगहों पर 2 साल तक भूमि, भवन और अचल संपत्ति खरीदने पर पाबंदी होगी। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, सब डिविजनल कमिश्नर और सभी डीसी को पत्र जारी किया है। राज्य ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के मुताबिक अफसर अपने परिजनों के नाम पर भी भूमि या भवन नहीं खरीद सकेंगे। कार्मिक विभाग की तरफ से भूमि खरीदने पर पाबंदी को लेकर जारी आदेशों में मंडलायुक्त, एडीसी, एडीएम से लेकर डीआईजी और नगर निगम के जेई तक करीब 28 श्रेणियों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। कार्मिक विभाग के इन आदेशों की अवहेलना पर ऑल इंडिया सिविल सर्विस कंडक्ट नियमों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने इस बारे में 1996 में पहले आदेश जारी किए थे। इसके बाद इन आदेशों में कुछ और श्रेणियों के अधिकारियों को शामिल कर भूमि, भवन और अचल संपत्ति खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार पाबंदी के बावजूद कई अफसरों ने अपनी तैनाती वाली जगह में कार्य क्षेत्र में अपने और अपने परिवारजनों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।